भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि इसका एपिसेंटर कहां था, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता क्या थी, इस पर जानकारी आनी बाकी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी और सबसे ताजा खबर यही, अभी अभी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो भूकंप आया है दिल्ली एनसीआर में, भूकंप के झटके महसूस किए गए, तेज झटके महसूस किए गए दिल्ली एनसीआर में। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोगों ने इन्हें महसूस किया, जो जहां था, चाहे दफ्तर, घर, सबने इन झटकों को महसूस किया। और दिल्ली वैसे भी हाई सेस्मिक जोन पर है। दिल्ली एनसीआर में 2024 यानी नए साल का यह पहला अर्थक्वेक कहा जा सकता है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो एनसीआर और दिल्ली में हल्के झटके महसूस किए गए, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और इस वक्त की बड़ी खबर, भूकंप आने पर जिस तरह लोग सचेत हो जाया करते हैं, यदि कोई हाई राइज में है तो वो नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ उतरता है, कुछ ऐसा ही माहौल एक बार फिर से बना, खासतौर पर हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले या फिर दफ्तरों में काम करने वाले लोगों के बीच में, जिन्होंने इन भूकंप के झटकों को महसूस किया। सीलिंग में लगे हुए फैन हो या लाइट हो, वो अपनी जगह, उनमें उन्होंने हलचल महसूस की, वो अचानक हिलने लगी और तब जाकर लोगों को ये कन्फर्म हुआ कि ये भूकंप ही है। और दिल्ली एनसीआर में भूकंप के ये झटके इस वक्त महसूस किए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले झटके महसूस किए गए, हालांकि भूकंप का केंद्र कहां था ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन कई सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कितनी थी वो अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ सेकंड तक लोग ये झटके महसूस करते रहे और लोगों ने अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना ही मुनासिब समझा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त भूकंप के झटके महसूस किए गए, कैसे सीलिंग फैन हिलता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ ऐसे ही भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में रहने वाले तमाम लोगों ने महसूस किए। और ज्यादा जानकारी के लिए रचना का रुख करते हैं, हमारी सहयोगी रचना, क्या जानकारी है, सेस्मोलॉजी ने अभी तक क्या जानकारी दी है और किस तरह लोगों ने इन झटकों को महसूस किया? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके आए हैं, आपको बता दें कि 1:50 पर ये झटके महसूस किए गए, और जिस तरीके से IMD की तरफ से बताया जा रहा है, सिस्मोलॉजी की तरफ से, ये जो अर्थक्वेक है वो बहुत ज्यादा तेज अर्थक्वेक नहीं था। और दिल्ली एनसीआर में इसका खास असर नहीं देखा गया, बहुत ज्यादा तेज झटके यहाँ पर महसूस नहीं किए गए हैं। हालांकि पाकिस्तान को इसका जो केंद्र है वो बताया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, तो पाकिस्तान में इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। एक बार फिर से समय कंफर्म करना चाहेंगे रचना, तकरीबन कितने बजे के आसपास ये झटके आए और दिल्ली एनसीआर के लोगों ने हल्के तौर पर इन्हें महसूस किया? देखिए, सिस्मोलॉजी की तरफ से जो बताया गया है, 1:50 पर ये झटके महसूस किए गए थे भूकंप के, जिसका बहुत ज्यादा असर दिल्ली एनसीआर पर नहीं पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो दिल्ली एनसीआर में हल्के तौर पर इनको महसूस किया गया, पाकिस्तान में इसका एपिसेंटर है, ये फिलहाल IMD की तरफ से जानकारी दी गई है। सेस्मोलॉजी ने इस बात को कंफर्म किया है। रिक्टर स्केल पर तीव्रता कितनी थी इस पर अभी और जानकारी आना अभी बाकी है, लेकिन 1:50 पर ये झटके महसूस किए गए और दिल्ली एनसीआर में इनका हल्का असर रहा। और जैसे ही ये झटके आए, लोगों को लगा कि मुमकिन है भूकंप हो सकता है, फौरन सीलिंग पर नजर गई तो कहीं, जिस तरह आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लाइट्स हिल रही हैं या फैंस हिल रहे हैं, उससे लोगों ने कंफर्म किया कि हाँ ये भूकंप के झटके हैं। हालांकि ऐसी कोई खतरनाक या बड़ा इसको नहीं माना जा रहा है जिसपे डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन हल्के झटके दिल्ली एनसीआर में कंपन के तौर पर महसूस किए गए।